हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। बनाना एकदम आसान है, पर इसे खाने के बाद समोसे कचौरी को तो जरूर भूल जाएंगे। बारिश के सीजन में फटाफट से इसे आप बनाकर रेडी कर सकते हैं, बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, पहले ही बॉईल करके रख दिया था। अब इसे छीलकर यहाँ मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। आप चाहिए तो इसे मैश भी कर सकते हैं और इससे जो हमारा मसाला बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। आलू रेडी है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज 2 से 3 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग और बारीक कटी हुई हरी धनिया 2 टेबल स्पून। मसालों में डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टी स्पून, भुना जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून और 1 टी स्पून डालेंगे यहाँ पे पाव भाजी मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टी स्पून चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे जिससे टैंगी फ्लेवर आएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। आलू की ये स्टफिंग तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही लाजवाब बनता है और इसमें डाला है पाव भाजी मसाला जिससे ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। तो बस जो हमारा मसाला है वो बनकर रेडी है। इस तरह से इसे टोके जैसा बनाकर रख देंगे। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है 7 से 8 स्लाइसेस, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे आपको इस रेसिपी के लिए ध्यान रहे कि ब्रेड आपका फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड को इस तरह से इसके जो साइड्स है ना कट कर लेंगे, चारों साइड इस तरह से कट करने से हमें जो ब्रेड का बीच का पार्ट मिलेगा उससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से बन पाएगा। आप चाहे तो बिना काटे भी बना सकते हैं, पर काट कर बनाएंगे तो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारे ब्रेड साइड्स कट करके रेडी कर लेंगे। एक साथ ही हम सारे ब्रेड का साइड्स निकाल लेंगे और इन साइड्स को हमें फेंकना नहीं है। तो यहाँ देखिए सारे ब्रेड रेडी हो गए हैं और इसका जो साइड्स है इसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तब क्या करेंगे, कोई भी एक चॉपिंग बोर्ड ले ले या चकला ले ले, उस पर इस तरह से एक ब्रेड रखेंगे और बेलन से इस तरह से रोल कर लेंगे तो वो एकदम से फ्लैट हो जाता है, जिससे जो हम रोल बनाने वाले हैं ना बहुत ईजिली बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। उस पर एकदम अच्छे से बेलन को चला देना है, इस तरह से रोल कर देना है, एकदम से फ्लैट हो जाते हैं ब्रेड और बहुत इजीली जो हमारा स्नैक्स है ना वो बन जाएगा। तो बस अब क्या करेंगे, बनकर हमारा ब्रेड सब रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पुदीने की चटनी, बहुत ही चटपटी सी बनती है। आप चाहे तो यहाँ पे आप सॉस, टमेटो सॉस, पिज्ज़ा सॉस कुछ भी लगा सकते हैं, पर धनिया की चटनी का टेस्ट ही अलग होता है तो इसलिए मैंने धनिया पुदीने की चटनी लगाई है। उसके बाद आलू का थोड़ा सा पार्ट जो हमने मसाला बनाया था ना लेंगे और इस तरह से उसे रोल करके ब्रेड के ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा टमेटो सॉस भी लगा रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बस इस तरह से हल्का सा रोल करेंगे और ये बहुत ईजिली चिपक जाता है क्योंकि यहाँ पे धनिया का चटनी और सॉस भी लगा हुआ है तो ब्रेड ईजिली चिपक जाता है। तो एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इस तरह से धनिया की चटनी लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो सॉस लगाएंगे। टमाटो सॉस लगाने से जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो इसलिए आप ज़रूर लगाएं धनिया की चटनी के साथ भी, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से जो हमारा मसाला है वो रखेंगे स्टफिंग और इस तरह से रोल कर देंगे, हल्का सा रोल करेंगे इजिली चिपक जाता है। तो इस तरह से ब्रेड का जो है सारे रोल हम बनाकर रेडी कर लेंगे, बहुत इजिली बन जाता है। आप चाहे तो इसकी स्टफिंग की जगह जैसे आलू की यूज़ किया है मैंने, आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रोल बनकर रेडी हो गया है। अब इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कच्चा आलू, इसे अच्छे से धो लिया है, छील कर ग्रेटर से चेक कर लिया था और इसे 2 से 3 पानी धो लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के जितना चावल का आटा, आप मैदा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टी स्पून और चिली फ्लेक्स बहुत कम डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी थिक सा स्लरी हमें बनाकर यहाँ रेडी करना है। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। कच्चे आलू और चावल का ये घोल बनकर रेडी है जिसकी वजह से हमारा जो स्नैक्स है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, एक एक ब्रेड का रोल लेंगे, इस तरह से इसमें डिप कर देंगे और स्पून की हेल्प से ना जो आलू के लच्छे हैं इस तरह से ब्रेड पर कोट कर देंगे। उसके बाद इसे उठाकर गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। तेल मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए, अच्छा सा तेल गरम हो गया है, उसके बाद ही इसमें डालेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपको कुक करना है और बिल्कुल भी लो फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पे मैंने इसे अलट पलट कर ना दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक कुक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बीच बीच में से फोक की हेल्प से मैं पलट ले रही हूँ।
इसे पलट कर चारों साइड से हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन कलर में नहीं आ जाता है इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है। अब इसे एक एक करके मैं निकाल लूँगी। बहुत ही इजी है इसे बनाना, फटाफट से बन जाता है। घर में अगर ब्रेड और आलू है तो आप इसे कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। तो एक बार तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, इसकी आवाज़ से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसे मैंने सर्व किया है टमेटो सॉस और हरी धनिया के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।